धीमहि धियो यो न प्रचोदया। देवतुल्य भाइयो, अब माँ शक्ति आचार्य चंदन का हमारा क्रमांक है 464 और आज हमारे जो आगे की जो कार्रवाई है वो आगे आदरणीय वागी शर्मा जी करेंगे। आदरणीय वागी शर्मा जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि कल हमने कल का हमारा जो सोपान था अकॉर्डिंग टू नरेश नायब साहब, जो कल का जो सोपान था एक्सपीरियंस सेशन ऑन सर्विस ऑफ मेडिटेशन फॉर लाइफ, आज उसका और आगे चलते हैं रिजुविलेशन या फिर उसका जो मैनेजमेंट है कैरियर मैनेजमेंट का। आज प्रदीप जी ने इसके अंदर एक पुट दिया है। कल उन्होंने एक तरह से जो सांसों के रफ्तार के द्वारा जो आंतरिक शोधन है, जो भी उस समय उपस्थित थे उन सभी ने एकदम बहुत ज्यादा एकदम उसको एंजॉय किया। और एक तरह से कल का जो सेशन था, जिस तरह से प्रदीप जी ने कहा कि आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और जब तक मैं ना कर ना खोलूं, उसके बाद फिर उन्होंने जो जो एक्सरसाइज, मतलब आप आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे भी आराम से उन सारी चीजों को कर सकते हैं, ये प्रदीप जी की विशेषता रही। और पहला एक छोटा सेशन लिया था इन्होंने, उसके बाद फिर उसके बारे में थोड़ा ब्रीफेस बता के, उसके बाद फिर एक लंबा सेशन लिया था जो प्रदीप जी, मेरे ख्याल 20 मिनट लग गए थे उस वाले दूसरे वाले में। तो आपने भी 4-5 मिनट का तो आपने बाद में बिल्कुल वैक्यूम में रखा था, उसके बाद फिर एकदम झुरझुरी सी एकदम हुई। अच्छा, आपकी कमांडिंग फोर्स इतनी बढ़िया थी कि जब तक आपने कहा नहीं तब तक किसी ने आंखें खोली भी नहीं, तो बड़ा अच्छा रहा। आज का जो सोपान लेके प्रदीप जी हमारे बीच में आ गए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्रदीप जी से आग्रह है मेरा कि वो आज का अपना उद्बोधन आरंभ करें और बाकी सब लोग कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार बागी जी। मुझे आपने ये मौका दिया है कि जो भी थोड़े से मेरे अनुभव हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, उसको मैं आप सबके साथ साझा करता हूँ। कल हमने अभ्यास किया था रिलैक्सेशन का, जो टेक्निक है कि हम अपने बॉडी और माइंड को कैसे रिलैक्स करें। ये टेक्निक हम यूज करते हैं, जब हम रिलैक्सेशन के द्वारा अपने शरीर और मन को रिलैक्स कर लेते हैं तो मेरा बॉडी और मन दोनों मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाता है। यदि मेरा मन उद्विग्न है, मेरे शरीर में पेन है और शरीर में भी कंफर्ट नहीं है, तो मुझे मेडिटेशन करने नहीं देगा, ना मेरा शरीर मुझे मेडिटेशन करने देगा, ना मेरा मन मुझे मेडिटेशन करने देगा। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, हमने ब्रीदिंग टेक्निक्स देखे, डीप ब्रीदिंग देखी और हमने सिंपैथेटिक ब्रीदिंग का भी प्रैक्टिस किया, और उसके बाद में हमारी जो हार्टफुलनेस की रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हमारे कोर मेथड है रिलैक्सेशन का, उसको हमने प्रैक्टिस किया। तो आज का टॉपिक है हमारा रिजुविनेशन, या इसमें रिजुविनेशन में हम क्लीनिंग टेक्निक का हम उपयोग करते हैं। तो उसमें आज मैं चर्चा करूंगा क्या चीज है जिसे हमें क्लीन करना है और उसे कैसे क्लीन करना है और ये हमें कैसे ये सहायता पहुंचाती है और मेरे ध्यान में मुझे कैसे प्रोग्रेस में सहायक होती है, कैसे उसकी पूरक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू हम रिलैक्सेशन से करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें आराम से बंद करते हैं। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करें। अपनी अटेंशन को पैर की उंगलियों पर लाएं। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। महसूस करें धरती माँ से आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों में प्रवाहित हो, पैर व एंकल्स को रिलैक्स करें। ऊर्जा टांगों में ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। काफ मसल्स निचले टांगे रिलैक्स होते जा रहे हैं।
ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित होने दें, ऊपरी टांगे व कूल्हे को रिलैक्स करें। ऊर्जा कमर में प्रवाहित हो रही है और उसे रिलैक्स कर रही है। ऊर्जा को एब्डोमेन व छाती में प्रवाहित होने दें। उनको रिलैक्स करें। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, उन्हें पिघलता हुआ महसूस करें। ऊर्जा बाजू में प्रवाहित हो रही है, ऊपरी बाजू व कोहनियाँ, निचली बाजू हथेलियाँ, फिंगर्स सब रिलैक्स हो गए। गर्दन को ढीला छोड़ दें, ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, महसूस करें पूरा चेहरा, खोड़ी, जबड़ा, नाक, कान, चीख, माथा, आंखें, सब आराम की अवस्था में आ रहे हैं। ऊर्जा सिर के ऊपरी हिस्से को आगे से पीछे तक रिलैक्स कर रही है। अपने पूरे शरीर को, सिस्टम को स्कैन करें। यदि कहीं पर कोई रुकावट महसूस हो रही है, ऊर्जा को वहां प्रवाहित होने दें। ऊर्जा के द्वारा उस स्थान को क्लियर करें, रिलैक्स करें।
अपनी अटेंशन को अपने हृदय की तरफ लाएं। वहां प्रेम एवं शांति को अनुभव। कुछ क्षणों के लिए उसमें डूब जाए। पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं, आंखें धीरे धीरे खोलें और अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करें। उम्मीद है हम अपने आप को पूर्णतः आराम की अवस्था में महसूस कर रहे हैं। आज के टॉपिक पर आते हैं रिजुविनेशन। तो अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए हम हार्टफुलनेस मेथड क्लीनिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें क्लीन करना क्या है। कुछ नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम रोजमर्रा की बातों में अपनी चर्चाओं में यूज करते हैं, कर्म, छापे, संस्कार, कॉम्प्लेक्सिटी, परसेप्शन। तो कुछ ऐसी टर्में हैं जो हमारे अंदर डीपली एम्बेडेड है, हमारे पुराने अनुभवों के द्वारा या जो भी हम करते रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क रहे हैं, जो भी हमारे यादों की छापे हमारे अंदर, वो संस्कारों के रूप में हमारे अंदर बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। दिन में मैं जो भी काम करता हूँ, जो भी वार्ता करता हूँ, जो भी मेरे आचार व्यवहार रहता है, कुछ ना कुछ उसकी छापे मेरे अंदर बनी रह जाती है। उसकी मेमोरी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका इमोशनल बर्डन होना वो मुझे अंदर से भारीपन महसूस कराता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो खराब भी हो सकता है। मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा घटित हुआ, मैंने बहुत अच्छा महसूस करा, तो उसका मैंने इमोशंस मेरे अंदर फॉर्म हो। कुछ बुरा हुआ, उसकी इमोशंस मेरे अंदर फॉर्म हो। तो जो कुछ भी है वो जाके मेरे अंदर इकट्ठा हो जाता। वो जब कभी दोबारा कोई मौका आता उससे मिलता जुलता, तो मुझे एकदम वो याद एकदम मेरी ताजा हो जाती और वो मेरे रिएक्शन के रूप में सामने आती। अगर एक एग्जाम्पल लें, मैं सड़क पर जा रहा हूँ और वहां पर मैं बहुत सुंदर फूल देखता हूँ, मुझे लगता है ओह इतना सुंदर फूल, और मैं आगे निकल जाता हूँ। दूसरे दिन मैं फिर वहां से जाता हूँ, फिर मैं उस फूल को दोबारा देखता हूँ, ओह इतना सुंदर फूल, मेरा उसे छूने का मन करता है, तो उसे छूता हूँ, मैं आगे निकल जाता हूँ। तीसरे दिन मैं फिर जाता हूँ, फिर मैं उस फूल को देखता हूँ, फिर मैं कहता आह इतना सुंदर फूल, इसे तो मुझे तोड़ना चाहिए, मुझे अपने पास रखना चाहिए। मैं उसे तोड़ता हूँ और उसे लेके चला जाता हूँ। तो हम देखेंगे धीरे 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 मेरा उससे एक इमोशनल अटैचमेंट उस चीज से मेरा जुड़ता जा रहा है और वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है। भविष्य में जब कभी वो मौका दोबारा आएगा तो मेरी वो उसको रिपीट करने की जो मेरी टेंडेंसी है वो मेरी दोबारा रिपीट होगी। मैं उस फूल को तोड़ना चाहता हूँ और वहीं पे दूसरा आदमी जा रहा है, वो उस फूल की तरफ देख भी नहीं रहा है। फूल वही है, एनवायरमेंट वही है, एक व्यक्ति उसको रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो दूसरा व्यक्ति उसको रिएक्ट कर रहा है। तो ये हमारे परसेप्शन की बात है। एक कहानी हम सबने सुनी है, एक लवर थे, तो वो अपने रात में जो है अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं। तो बारिश हो रही है, नदी उफान पर है, और जब वो नदी पर पहुंचे तो वो देखते हैं वहां पे एक लट्ठा है, लकड़ी का लट्ठा, वो उसको पकड़ के नदी पार करके दूसरे छोर पे पहुंच जाते हैं। और जब अपने बेलवेट के घर पे पहुंचते तो वो देखते हैं वहां पे एक रस्सी लटकी हुई है,
और वो उस रस्सी के सहारे रस्सी को पकड़ के वो ऊपर कमरे में चढ़ते हैं और वहीं रीचे तो चैम्बर ऑफ द बिलर। तो वहाँ वो पहुंचे, कहते हैं कि अब वहाँ वो उससे पूछते, आप मुका आप ही ने तो मेरे लिए रस्सी लटकाई थी, मैं ऊपर आ गया तो वो कहते तो आपके लिए कुछ नहीं लटकाई। और जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो वो रस्सी नहीं थी, बेचैन थे और इतना खोए हुए थे अपने विचारों में कि उन्होंने उसको रस्सी समझा। फिर वो नदी पर जाते हैं, नदी कैसे पार की, कि लकड़ी के लट्ठे के सहारे पार की। जब वहां पे जाके देखते हैं तो वहां उन्हें दिखता कि वो तो एक मुर्दा लाश थी जिसे उन्होंने लकड़ी का लट्ठा समझा और उसे पकड़ के वो तैर के आ गए। तो ये कहानी हमें बताती है ये एक परसेप्शन कि उस समय जो इसने डूबा हुआ था अपने ख्यालों में कि उसने मुर्दा लाश को उसने लट्ठा समझा और एक स्नेक को उसने रस्सी समझा। एक और तीसरी एग्जाम्पल हम देखें तो सर्कस में यदि हाथी को या घोड़े को एक छोटी सी हल्की सी रस्सी से एक प्लास्टिक की चेयर से बांध देते हैं, घोड़ा या हाथी अपने को समझ रहा है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ, अरे ये वही हाथी है जो चाहे तो पड़े पेड़ को भी नीचे गिरा दे झटके से, लेकिन उसका परसेप्शन ये है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे उसके सहारे रस्सी के सहारे, पतली रस्सी के सहारे भी वो वहां पर खड़ा रहता है। तो ये इफेक्ट होता है हमारे ऊपर हमारे परसेप्शन। ये परसेप्शन हमारे यहाँ आता कैसे है, हमारे अंदर हमारे जो भी हम रोजमर्रा की हमने विचार विमर्श किए, रोजाना बातें की, रोजाना आचार व्यवहार किया, कुछ कार्यकलाप किए, कुछ हमारे अच्छे बुरे जो भी हमारा कार्यकलाप रहे उनका एक इम्प्रेशन हमारे अंदर फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं संस्कार। पहले वो छापे बनती है, छापे अंदर जाके इकट्ठी हो जाती है और दिन के बाद दिन, महीनों हफ्ते के बाद हफ्ते और महीने के बाद महीने, जैसे जैसे वो चीज रिपीट होती है वो हमारी चीज गहरी होती चली जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की तो ये आदत है। आदत उसका कोई कुछ भी नहीं है, आदत उसकी जो उसने फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म किया था वो जैसे जैसे गहरा होता चला गया वैसे वैसे वो उसका गहरा होते 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 वो इतना ठोस हो गया कि वो उसकी आदत में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम संस्कार भी कहते हैं, इसको हम अपने कर्म भी कहते हैं, इसको हम अपने परसेप्शन भी कहते हैं और इसको हम इम्प्रेशंस भी कहते हैं। तो हमारा जो क्लीनिंग पद्धति है तो जो इस पद्धति के द्वारा जो हमारे अंदर ये बैक फॉर्म होता है जो इम्प्रेशंस का, जो हमारी आदतों का, तो उसको हम धीरे धीरे इस पद्धति को यूज करके उसको हम ढीला करते हैं, उसको वहां से मिटाते हैं। और जब वो हमारा जो अंदर वेब हमारे अंदर बना जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, नेटवर्क ऑफ थॉट्स, नेटवर्क ऑफ एक्शंस, नेटवर्क ऑफ संस्कार है, जब उसको हम क्लीन करते हैं तो धीरे 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 जो हमारे अंदर जो आत्मा है उसके चारों तरफ जो वेब बना हुआ क्लीन होना चालू हो जाता है। जब वो क्लीन होता है तो अंदर जो कुछ है दैट वो फिर शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। वेरी सिंपल थ्योरी, क्योंकि अगर वो उस आत्मा का मतलब ही क्या है जिसके चारों तरफ गंद जमा हो, गंद का मतलब यहाँ फिजिकल गंदगी से नहीं है, गंद का मतलब जब मैं गंद शब्द यूज कर रहा हूँ गंद का मतलब है जो हमारा वेब जो हमने इकट्ठा कर लिया है जिसके वसीभूत होके हम रिएक्ट करते हैं। एक ही सिचुएशन में एक आदमी को एक एक विचार को एक व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा विचार है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये तो बहुत खराब विचार है, तीसरा व्यक्ति कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देता। तो उसी विचार को या एक ही वस्तु को या एक ही परिस्थिति को सब लोग, हम सभी लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और अलग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं और अलग अलग तरीके से उस पर हम रिएक्ट करते हैं। एक चीज पे एक व्यक्ति गुस्से के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा व्यक्ति उसको नोटिस भी नहीं करता। तो ये कहीं परिस्थिति में या किसी विचार में या किसी एक्शन में कुछ भी नहीं है, एक्शन इज एक्शन, विचार एक विचार है, लेकिन हमारा रिएक्शन उसी चीज के लिए अलग अलग है। जो हमारा ये रिएक्शन है वो हमारे संस्कारों की वजह से आता है जो कि हमारे अंदर इकट्ठा है और इकट्ठा ये डेली होता है। डेली जब भी मैं सुबह से शाम तक हम अपने ऑफिस में काम करते हैं, अपने घर पे काम करते हैं, अपने मित्रों के साथ आचार व्यवहार करते हैं, तो हमारे जो भी खट्टे मीठे अनुभव रहे, बॉस के साथ कोई अनुभव रहे, पीयर ग्रुप के साथ अनुभव रहे, अपने जूनियर्स के साथ कोई अनुभव रहे, हम गवर्नमेंट ऑफिस में गए वहां पे हमारे कुछ अनुभव रहे, तो उसकी एक छाप लेके हम आती है जो हमारे अंदर बैठ जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि हम आए अगर कोई चीज हुई और भूल गए, और भूल के जब हम लेकिन सोने के लिए जाते हैं तब हमें वो चीज याद आती है
कि हमारे साथ ये घटित हुआ, या दूसरा ये भी हो सकता है किसी काम को मैंने करने की कोशिश करी और वो नहीं हो पाया, तो रात को सोने से पहले मुझे वो याद आता है और वो मुझे हॉन्ट करता है, अभी तूने ये नहीं करा, तेरा आज ये काम इनकम्प्लीट है। तो जो मेरे संस्कार बनते हैं, जो छापे बनती हैं, वो मेरे कामों की वजह से भी बनती है, मेरे कुछ काम ना कर पाने की वजह से भी बनती है, या मैंने ना कुछ किया या कुछ करा, किसी दूसरे ने मेरे साथ कुछ कर दिया, या किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, उसकी वजह से भी मेरी छापे बनते हैं। तो उसको हम एक बहुत सिंपल टेक्निक है, हार्टफुलनेस क्लीनिंग टेक्निक, जिसका उपयोग करके हम डेली का डेली जो भी हम इकट्ठा करते हैं, अगर हम शाम को उसको क्लीन कर लें, तो वो मेरा सिस्टम जो है प्योर रहता है। अल्टीमेट हमारा पर्पज जो है जिंदगी का, लाइफ का जो पर्पज है, लाइफ का पर्पज है हमारा टू बिकम प्योर एंड सिंपल। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था एक बार कि वी आर डिवाइन बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग डिवाइन एक्सपीरियंस, वी आर डिवाइन बीइंग्स बाय ओरिजिन, बाय सोर्स वी आर डिवाइन, बट ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ संस्कार, वी आर हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू अवर संस्कार। सो वी हैव टू क्लीन दीज संस्कार, एंड फॉर दिस वी नीड ए मेथड, एंड दिस क्लीनिंग टेक्निक इन हार्टफुलनेस इज अ यूनिक फीचर ऑफ हार्टफुलनेस मेडिटेशन विच वी यूज एज ए कम्प्लीमेंट टू द फॉर द मेडिटेशन। सो वी विल एक्सपीरियंस इट, आई विल गाइड यू, आई विल गिव यू कमांड लाइक आई डिड इन रिलैक्सेशन। तो आप उसको जैसा जैसा मैं आपको कमांड दूंगा, उस तरह से आप उसको महसूस करिएगा, वो देखिएगा ये आपके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। एक बार शुरू करते हैं, उसके बाद में फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। आंखें धीरे से बंद कर लें, स्ट्रेट बैठे, सीधे बैठ जाएं। विचार लें सिर से लेकर टेल बोन तक, टेल बोन का नीचे निचला हिस्सा, रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा। मेरे दिन भर के कार्यों के विचारों के जो भी छापे हैं, सब पीछे से, शोल्डर टू शोल्डर, सब पीछे धुएं के रूप में बाहर जा रहे हैं। विचार शक्ति का उपयोग करें, महसूस करें ऐसा घटित हो रहा है। मानसिक संकल्प द्वारा इस प्रक्रिया को तेज कर दें। चलाता हूँ जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर चलाओ।
मैं अपने अंदर हल्कापन महसूस कर रहा हूं। ऊपर से सामने की तरफ से स्रोत से दिव्य ऊर्जा की धारा मेरे हृदय में प्रवाहित हो रही है। जो भी कुछ बच्चे कुछ छापे कॉम्प्लेक्सिटीज इम्प्योरिटी सिस्टम है उनको साफ करने में मेरी मदद कर रही है। अब यह दिव्य ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में पूरे सिस्टम में प्रवाहित हो रही है। यदि मेरे पूरे सिस्टम को ब्लड सप्लाई कर रहा है तो ब्लड सप्लाई के साथ ही यह दिव्य ऊर्जा पूरे सिस्टम में फैल रही है। सुस्पष्ट विचार ने मेरा पूरा सिस्टम पूरी शारीरिक संरचना प्योर एवं सिंपल हो गई। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करें। बहुत सिंपल क्लीनिंग टेक्निक है ये। अब इसका डेमोंस्ट्रेशन मैंने दिया और आपने इसको महसूस किया। ये प्रक्रिया हम शाम को करते हैं, जैसे ऑफिस से हम 7 बजे आए, 6 बजे आए, 8 बजे आए, जैसा जिसका शेड्यूल है। मुँह हाथ धोया, चाय पी, 2-4 मिनट परिवार के साथ बात की, तो उसके बाद में गो टू सम कोजी कॉर्नर इन द हाउस, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जो भी जिसके पास जगह है, तो वहाँ पे बैठ के हम इस जो कमांड्स मैंने आपको दिए इन्हीं कमांड्स के साथ में मानसिक कमांड्स के द्वारा हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो स्टार्ट विद हम इसे 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं और जब हमें अच्छा लगने लगे तो इसको 15 मिनट, 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट तक हम इसे एक बार में कर सकते हैं। और इसका इफेक्ट ये होता है, जो भी हमारा इमोशनल बर्डन पूरे दिन में हमने इकट्ठा किया वो हमारा क्लीन हो जाता है। 2 फायदे होते हैं, एक तो मैं अपने आप को हल्का महसूस करता, दिन भर में जो भी हुआ मैं भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी मेमोरी कहीं चली जाती है,
उसके याद, जब मुझे जरूरत होती है वो मुझे याद आएगा, लेकिन उससे इमोशनल बर्डन मेरे ऊपर से खत्म हो जाता है, आई फील लाइक। दूसरा, जब मैं क्लीनिंग के बाद में जब मैं परिवार के साथ बैठता हूँ, भोजन करता हूँ, क्योंकि मैं प्योरिटी के भाव के साथ में मैंने अपना दिनचर्या को समाप्त किया, और जब मैं प्योरिटी के साथ में भोजन लेता हूँ तो भोजन मेरे लिए प्रसाद बन जाता है। और परिवार के साथ जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ तो क्योंकि मेरा उस समय बिल्कुल हल्कापन मैं महसूस कर रहा होता हूँ और विचार मेरे प्योर होते हैं, तो परिवार के साथ में जो मेरा इंटरेक्शन होता है तो वो मेरा एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, और मेरे संबंध मधुर होते हैं। ये मेरा वो जो हमारे साथी लोग इसे करते हैं उनका हमारा ही व्यक्तिगत अनुभव। और जब हम अच्छे मूड के साथ में सोने के लिए जाते हैं तो हमें नींद अच्छी आती है, साउंड स्लीप आती है, और जब स्लीप अच्छी आती है तो अगले दिन की शुरुआत ही अच्छी होती है। तो अगर हम देखें तो आज हमने जो ये प्रैक्टिस की हार्टफुलनेस क्लीनिंग की, मॉर्निंग दिन की शुरुआत ध्यान के साथ और दिन का समाप्ति क्लीनिंग के साथ। इसको एक एग्जांपल के द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करें काम कैसे करता है, मेरे पास बहुत अच्छी मर्सिडीज कार है लेकिन सड़क पे कीचड़ जमा है सड़क में, तो क्या मैं उस मर्सिडीज का आनंद ले पाऊंगा? अगर मैं उसको चलाऊंगा तो पहिया भी धड़ धड़ करेगा, मुझे गाड़ी का कोई आनंद आने वाला नहीं। उसी तरह से यदि मेरी रोड क्लीन है लेकिन मेरे पास फरारी नहीं है, हल्की गाड़ी है तो या मर्सिडीज नहीं है, तो भी मुझे उसका पूरा आनंद नहीं आएगा। मेरी जिंदगी का आनंद तब है जब मेरे पास गाड़ी भी अच्छी हो, क्योंकि मेडिटेशन मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, अच्छी पावरफुल पावर देता है मुझे, लेकिन उस पावर से के द्वारा काम करने के लिए मेरे पास रोड भी तैयार होनी चाहिए। तो ये क्लीनिंग मेरे लिए रोड तैयार करती है, जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी की जो विचारों की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो गंध हमारे अंदर जमा था उसको जब हम साफ कर लेते हैं तो जो मेडिटेशन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, तो उसके साथ जब हमारा जीवन चलता है तब वो हमें पूरा उसका आनंद मिलता है। गाड़ी का आनंद के लिए मैं गाड़ी होनी चाहिए पावरफुल और रोड्स बढ़िया होनी चाहिए, तब मुझे आनंद आता है। ऐसे जब हम मेडिटेशन क्लीनिंग के साथ करते हैं तो मेडिटेशन का हमें आनंद उसका इट इज मैटर ऑफ एक्सपीरियंस की कितना आनंद आता है, उसको हम कितने गुना में हम उसे नहीं कह सकते। तो इसके तो सुबह को हम ध्यान करते हैं, शाम को हम सफाई करते हैं। तो अभी हम एक बार फिर मेडिटेशन का, जैसे हमने कल अभ्यास किया, एक्सपीरियंस किया था 10-15 मिनट के लिए, अब हम एक बार क्लीनिंग अभी हमने की है, अब इसके बाद हम मेडिटेशन करके देखते हैं क्लीनिंग के बाद में हमें मेडिटेशन में कैसा। तो मैं एक बार फिर आपको गाइड करूंगा मेडिटेशन के लिए, तो उसे आप करके देखिएगा और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। थैंक यू आंखें धीरे से बंद कर लें। अपनी अटेंशन को हृदय की तरफ लाएं। महसूस करें सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय हार्ट। इट इज अट्रैक्टिंग मी इनसाइड। होल्ड योर अवेयरनेस हियर। During meditation, if you get any thoughts, please ignore them. They will come and fall off themselves. Remind yourself that you are meditating.
अपनी कंडीशन को ऑब्जर्व करें, आंखें कुछ क्षण के लिए बंद रखें। ऑब्जर्व करें, कोशिश करें, कल हमने जो मेडिटेशन किया और आज जो मेडिटेशन किया है, क्या दोनों में कोई फर्क था? और हमने मेडिटेशन से पहले कैसा महसूस कर रहा था, मेडिटेशन के बाद कैसा महसूस कर रहा? धीरे से अपनी आंखें खोल, हार्टफुलनेस प्रैक्टिस में देर आर टू यूनिक फीचर्स दैट इज यूज हियर। वन इज अ क्लीनिंग टेक्निक, जिसका भी हमने अनुभव किया। इट इज कम्प्लीमेंट्री टू मेडिटेशन। जब हम क्लीनिंग साथ में करते हैं तो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हमें डीपन होने लगता है, गहरा अनुभव होता है। और मेडिटेशन में इसमें हार्टफुलनेस में हम ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन इज द योगिक एनर्जी दैट इज यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमंस। इट इज द डिवाइन एनर्जी दैट इज बीइंग। सो दिस ट्रांसमिशन वाज लॉस्ट 72 जनरेशंस बिफोर राजा दशरथ, एंड इट वाज रीडिस्कवर्ड इन द 19th सेंचुरी बाय श्री रामचंद्र जी महाराज, हु वाज बोर्न इन फतेहगढ़, एंड नाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमन मैनकाइंड in an organized manner. So the experience we gain, it is due to the effect of this transmission, and it is a matter of experience. So I would urge you all, try this meditation for 10 to 15 minutes in the morning, and try this cleaning technique 10 to 15 minutes in the evening. Do it at your own, in your leisure time, as per your convenience, in the comfort of your home, and feel its benefits. And once I do my cleaning, I clear my thoughts, so I gain the clarity. We call it Vivek Shakti. Vivek mera improve hota hai, and it helps me in my life management. It helps me in my career management. And everybody of us may try it and feel its effects. Tomorrow we will explore how to connect ourselves to our deepest or our higher self, and how we can use our subconscious mind for our benefit. Right now, we work with the help of our conscious mind. What I'm able to conceive, what I'm by use of my active consciousness. But is there any technique by which I can use my subconscious mind? That is Swami Vivekananda, I will quote again. He once quoted that our conscious mind is a thin layer of the water, and below it and above it is a huge ocean of the subconscious mind and the superconscious mind. So how to use my subconscious mind for my benefit, that we will try to explore tomorrow. And if organizers Bagi ji
अरविंद जी परमिट मी, आई वुड आल्सो ट्राई टू इनकल्केट 10 टू 15 मिनट ऑफ चेयर योगा बिफोर नाइट इज दैट वी कैन डू सिटिंग ऑन द चेयर एंड इन अवर ऑफिस इन अवर होम एंड दैट कैन बी डन बाई एनी बडी ऑफ एनी एज ग्रुप इफ टाइम परमिट्स वी विल आल्सो एक्सप्लोर दैट टुमारो सो नाउ हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर If there are any questions, I will be pleased if I can answer. प्रदीप जी, एक जरा प्रश्न पूछना चाहूंगा. एक रशियन साइकोएनालिस्ट थे मिस्टर पावलोव. और पावलोव ने कंडीशनिंग किया अपने कुत्ते को, जब खाना देते थे निरंतर बेल रिंग करते थे. तो बेल जब रिंग होता था, इतना कंडीशन्ड हो गया था कुत्ता कि हर बेल रिंगिंग को समझता था मुझे खाना मिलने लगा है, उसके जीभ से सलाइवा निकलना शुरू हो जाता था. तो कंडीशन्ड जो है माइंड हो जाता है, अलर्ट माइंड कुछ नहीं कहते, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है. तो जो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, हमारी पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री तो इसी बात पर बेस्ड करती है कि बार 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 एक एड को रिपीट करो, लोग खरीदे ना खरीदे पर उसके मन में बैठा दो कि ये प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है. तो जो सब 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 कॉन्शियस माइंड में हमारी फीड हो गया है, जो बाद में हमारे एक्टिव माइंड को, कॉन्शियस माइंड को निरंतर संचालित करता है, नियंत्रित करता है, उस सब कॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती? क्योंकि अगर बुरे विचार सब फीड हो गए हैं सब कॉन्शियस माइंड में, तो हमारा सारा एक्टिव माइंड तो उसी के बेस पे चलेगा. अच्छा सोचना भी चाहे नहीं सोच पाएंगे. तो सबकॉन्शियस माइंड में जो जो विचार बैठ, जो थॉट्स बैठ गए हैं, जो संस्कार बैठ गए हैं, इज देयर एनी वे आउट टू कम आउट ऑफ दोज थॉट्स? एनी टेक्निक? या अभी योग निद्रा जैसे आपने कराया है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. माय कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द क्वेश्चन. जो आपने पावलोव का एग्जांपल दिया, सम टाइम इन आवर लेक्चर वी कोट दिस एग्जांपल. This example we quote for fixing our time of meditation. Suppose if I meditate on a time at a time regularly at 7 AM or 6 AM or 5 AM, जो भी मेरी कंडीशन मुझे अप्लाई करती है, तो जैसे ही वो 5 बजे या 6 बजे बजेंगे, तो my mind will tell me that कि तुम्हें meditation करना है. I will go to meditation. So that's why we say you meditate in the morning for quite some time. For a month, for 15 days, for 2 months, so that once it becomes an habit, then I am bound to do it. जैसे वो समय होगा मुझे याद आ जाएगा तो मेडिटेशन के लिए जाना है. बिल्कुल. इसी तरह से शाम को क्लीनिंग का है. अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम में अपना फिक्स कर लेता हूँ, जैसे ही वो टाइम आएगा मुझे एकदम याद आएगा कि तुम्हें क्लीनिंग के लिए बैठना है, तो देन माई जो प्रोसेस है इट बिकम्स ऑटोमेटिक एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट. And Pavlov's study that you quoted is very helpful to understand this, number one. Second part of your question, how to clean the subconscious mind. So that's why we utilize this cleaning technique. Why utilizing our sankalp shakti, I am cleaning my internal system of the internal bag. Whatever is gathered, that is good, bad, that is my understanding. I think something good or I think something bad. But it is something embedded in me that has engulfed and circled my divine that is existing in me. Some call it soul, some call it higher person in me, higher self, whatever I want to call. So whatever that is there, that we have to clean. And for this cleaning that we practice today is a method. So by this method, be whatever we are gathering on daily basis, we are cleaning on daily basis. Number one, I am not accumulating anything further. Very simple. And the whatever is accumulated from the past, from my past life, other life, or even in this life, for that we take the help of trainer. So there is some further technique that we sit with the trainer, like you sat with me. I am a trainer of the heartfulness. So once you be set to sit with trainer, that it is a job of the trainer to clean the subconscious mind. I see. That's I mentioned about the transmission. So through use of transmission, we clean the subconscious mind. Our whole life process is cleaning, 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 nothing else.
आई एम अ डिवाइन बीइंग, इफ एवरीथिंग इज क्लीन व्हाट विल बी लेफ्ट, देयर विल बी प्योर सोल, नथिंग एल्स. सो आई एम ए प्योर सोल engulfed by my samskara. Sure. That is being accumulated day after day. So that is the whole process. That's why tomorrow I will touch upon. Tomorrow I will touch upon that how to connect to my higher self. That is the deepest self. And how to use my subconscious mind to my benefit. It is not that the subconscious mind is always is harmful to me. So, how to use it to my benefit? So that we will explore tomorrow. It needs some time to explain. So I will try to explain it tomorrow, sir. It's okay. Thank you so much. Authoritative words जैसे होते हैं, authoritative words जैसे patient को doctor को recommend करता है, कोई सलाह देता है, तो उसके subconscious mind में बैठ जाता है. ऐसे कोई authoritative हो स्टेटमेंट जो कि जाकर के सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर दे. लॉजिक से स्वीकार करता नहीं, क्योंकि लॉजिक से केवल कॉन्शियस माइंड लेता है. बाकी इमोशंस, इमोशनल अपील हो सकती है, मेरा ख्याल है वो भी कुछ मदद कर सकते हैं जी. इसको सब कल हम एक्सप्लेन करेंगे. इट्स ओके, बिकॉज वी क्लीन द इमोशंस, वी डोंट क्रिएट द सिस्टम, डू नॉट क्रिएट द मेमोरी. ए मैन इज नथिंग विदाउट मेमोरी. इफ आई लूज माय मेमोरी, आई एम पंपकिन. सो वी आर नॉट इरेजिंग अवर मेमोरी, we are erasing the emotional burden of the memory. Thank you. अभी यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो भी अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हमारे श्रद्धेय आर्यन पांडे साहब धन्यवाद देंगे. यदि किसी की कोई क्वेरी हो, किसी का कोई प्रश्न हो, वो कृपया इसमें पूछ लें, नहीं तो फिर आर्यन पांडे साहब से मेरा अनुरोध है. वो धन्यवाद के दो शब्द हैं. मैं बोलूं वागी जी? हाँ सर बिल्कुल, क्वेरी भी बोल सकते हैं आप और धन्यवाद भी सर. तो सबसे पहले आभार संयोजक बागी जी का कि मुझे उन्होंने ऐसे विशेषज्ञ के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करने का अवसर दिया. हम सब लोग इस मंच पे काफी समय से विचार विमर्श लगातार कर रहे हैं. श्री अरविंद शर्मा जी अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर रोज एक वक्तव्य किसी न किसी विद्वान से कराते हैं. प्रायः उसमें थ्योरेटिकल होते हैं. जैसे मैं हूं, मैं शास्त्रों पर बोलता हूं तो सब किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ज्ञान उसमें नहीं होता. कुछ वक्तव्य अवश्य हमारे यहाँ ऐसे हुए हैं जो व्यावहारिक रहे. उनमें से श्री प्रदीप गुप्ता जी ने जो, यह कल मैं तो नहीं था, आज मैंने सुना, कल भी सुनेंगे, तो मेडिटेशन के बारे में जो कहा, वास्तव में मैं यदि यह कहूं कि यह करने का विषय है, और वास्तव में जो शास्त्र कहते हैं वो भी सब यही कहते हैं कि श्रोतव्य मंतव्य निरिध्यासितव्य, सुनना चाहिए, हमने सुना, मनन करना चाहिए, मनन करने के लिए कहा, और उतारना चाहिए, मुख्य बात ये उतारने की. और मेडिटेशन के लिए तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई कहे कि नहीं करना. मेडिटेशन करने की बात है, बार बार सुबह शाम अभ्यास करने के लिए कहा. और जो शुरुआत इन्होंने कही वो बहुत अच्छी कही, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं कि वांग में मनसी प्रतिष्ठितम, मनो में वाची प्रतिष्ठितम, मेरा वाणी जो है मन में, मन वाणी में एक हो जाए. तो रिलैक्सेशन करने की जो विधियां बताई, वास्तव में बस ये जरूर है कि जैसे मैं जो प्रैक्टिकल पक्ष में आता हूं, तो आपने कहा कि मेडिटेशन कीजिए, मैंने किया, तो मैं जिस अभ्यास को करता हूं मैं उसी अभ्यास पे चला गया. तो जो कर रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से अगर कोई नई विधि, अगर प्रदीप गुप्ता जी इस बात को बताएंगे क्या उन्हीं की विधि से करें या जो लोग विधि से करते हैं वो करें, तो मैं समझता हूँ जो अभ्यास है पड़ा हुआ वो करते हैं, रिलैक्स होना चाहिए आदमी को. वास्तव में बहुत अच्छी बात कही कि सुबह मेडिटेशन करें और क्लीनिंग शाम को करें, और ये अभ्यास करने से ही बहुत ही अद्भुत प्रभाव इसके होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. तो जो विधियां बता रहे हैं, क्योंकि उनका किया हुआ है,
हर ट्रेनर अपने तरीके से एक करता है बात को, तो वो अपनी तरह से चिन्मय मिशन में जाइए तो वो अपने बताएंगे, रामकृष्ण मिशन में जाइए तो वो अपनी तरह से बताएंगे, आर्य समाज में जाइए तो अपनी तरह से बताएंगे, प्राणायाम वाले अपनी तरह से बताएंगे, लेकिन उद्देश्य सबका मेरे ख्याल से यही होता है कि हम मानसिक एकाग्रता को करें और बुरे विचारों को दूर करें, दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रबल करें, अपनी चेतना को बढ़ाएं। मुख्य रूप से श्री प्रदीप गुप्ता जी का बहुत आभार, क्योंकि ऐसे जो ट्रेनर विशेषज्ञ हैं वो हमारे लिए, समाज के लिए वास्तव में बहुत बड़ी देन है। आप जो भी प्रेरणा देते हैं हम लोगों को या और पूरे समाज को, बहुत ही काम की चीज है और सकारात्मक चीज है। हमका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री प्रदीप गुप्ता जी, हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आनंद पांडे साहब, धन्यवाद प्रदीप जी। प्रदीप जी की विशेषता यही है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद भी इन्होंने इस विधा में इतने पारंगत हो गए हैं। तो जैसा कि एक विचार और तीन बार ओम का उच्चारण करके हम आज अपना कार्यक्रम को समाप्ति करते हैं, आज का विचार है अरविंद जी का ही, भेजते रहते हैं रोज, या नैब साहब या अरविंद जी, उन्हीं में से मैं एक पढ़ देता हूं। डर कहता है ये असंभव, अनुभव कहता है जोखिम भरा। डर कहता है ये असंभव है, अनुभव कहता है जोखिम भरा है, तर्क कहता है कि ये मुश्किल है, तर्क कहता है कि ये मुश्किल है, लेकिन हिम्मत कहती है कि एक बार कोशिश तो कर। सबका धन्यवाद, और सभी अनम्यूट कर ले अपने आप, उसके बाद फिर अपन तीन बार ओम पहुंचे। ओ शांति शांति शांति। नमस्कार, प्रणाम से। शांतिरेव शांतिः सा।